नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई का गुनहगार कौन है? 26/11 के हमले में मास्टरमाइंड कौन है? किसने प्लानिंग की? कहां, कब, क्या हुआ, कैसे ये पाकिस्तान से ये आतंकी मुंबई पहुंचे और इसकी पूरी प्लानिंग यहां की रेकी? कौन कौन लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठे गद्दार भी हैं इसमें शामिल? कई सारे सवाल जिसके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे अमेरिका में बंद एक शख्स, उसे हिंदुस्तान लाया जा रहा है और परेशानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कि अगर ये शख्स हिंदुस्तान आ गया और अगर उसने पूरी जुबान खोली, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी कई सारे लोग बेनकाब होंगे। क्योंकि ये 26/11 का सबसे क्रूशियल मोमेंट आ गया है जब हिंदुस्तान के गद्दारों को हम पहचानने में सफल हो पाएंगे। तहव्वुर हुसैन राणा, ये एक पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर है और आतंकवाद के केस में बंद पड़ा था, पकड़ा गया अमेरिका के जेल में। यूपीए सरकार के दौरान ही वो जेल के अंदर था। लाने की हमें जरूरत नहीं समझा गया उस समय की सरकार के द्वारा। चिदंबरम साहब गए भी, मिलके आए, उनको एक्सेस दिया गया था, गृह मंत्री थे उस समय, चाय पी के वापस आए। क्या बातचीत हुई आज तक मालूम नहीं है देश को, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है कहीं भी। तो ये पर्दा अब बहुत जल्द उठने वाला है। ये I.N.D.I.A. अलायंस जो है, उनकी धड़कन बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है इसको जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले दर्शकों को बताइए, ये राणा साहब आखिर हैं कौन? सिनेमा में बनता है ना एक होता है प्रोड्यूसर, उसको होता है डायरेक्टर, उसके बाद है स्क्रिप्ट राइटर, उसको होता है एक्टर एक्ट्रेसेस। ये सिनेमा का सेटअप है। इस ये जो वारदात हुई, इतना दर्दनाक वारदात हुई बॉम्बे में, उसका जो प्रोड्यूसर है वो हाफिज सईद, जो मेन डायरेक्टर है वो है कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा, और जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं वो है हेडली और बाकी लोग, और वो लोग जो पाकिस्तान में बैठ के वॉर रूम में बैठ के सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे और डायरेक्शन दे रहे थे कसाब को, अभी ये करो अभी वो करो, वहां से बैठे बैठे ये ताजमहल जो टाटा का ये है होटल, उसको मॉनिटर कर रहे। और हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार थे ही, लाइव दिखा रहे थे, एकदम लाइव दिखा रहे थे। अब आते हैं कि सवाल होता है, इतनी चर्चा चल रही है उसका एक्सट्रेडिशन होने वाला है, ये है कौन? ये आर्मी मेडिकल कोर का डॉक्टर है, पाकिस्तान आर्मी कार आर्मी का जिस डॉक्टर का काम है जिंदगी बचाना, इस डॉक्टर ने रोल किया जिंदगी लेने के लिए। 166 लोगों के हत्या का ये जिम्मेदार है। तो ये डॉक्टर ने, ये दैत्य है, दैत्य है, हाँ। डॉक्टर प्रोफेसर के नाम पे कलंक है ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसने हेडली को पूरा कवर प्रोवाइड किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया, और पाकिस्तान आईएसआई के हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने नेटवर्क थे, स्लीपर सेल्स थे, सबको लूप में लेके सबको एक्सेस दिया हेडले को। हेडले ने उस एक्सेस का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब हमने तो कह दिया कि कल्प्रिट है 26/11 का, और ये 1997 में पाकिस्तान से कनाडा गया, वहां सिटीजनशिप अप्लाई किया और 2001 में कनाडा का सिटीजन बना। वहां पे इसने एक कंपनी खोली, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। उसके बाद वो कनाडा से शिफ्ट हो गया अमेरिका में, शिकागो में, और शिकागो में ही इसी कंपनी के नाम से उसने धंधा शुरू किया। अब सवाल बता होता है कि हेडली में और इसमें क्या कनेक्शन है? हेडली तो अमेरिकन है, तो कनेक्शन ये है कि एक एजुकेशन कैडेट कॉलेज है, उसका नाम है हसन अब्दाल, जो मिलिट्री के द्वारा रन किया जाता है। दोनों हेडली
और कैप्टन तब उस समय ताहूर हुसैन राणा, कैप्टन तो था नहीं उस समय, दोनों उस कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी जवानी की दोस्ती है, यारी है, ये है लिंक। कहा जाता है कि हेडली विजिट को हिंदुस्तान में फैसिलिटेट करने के लिए पूरा पूरा यदि कोई षड्यंत्रकारी है और मेन कोऑर्डिनेटिंग बंदा है वो है कैप्टन राणा और ये ISI का एजेंट है। वैसे मैं एक और जानकारी आपको दे दूं, हेडली के ऊपर आरोप है कि उसने हर जगह की रेकी की। करेक्ट, मैं आता हूं, आने वाला हूं उस बात। और उस रेकी में जिस व्यक्ति ने इसकी मदद की, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट का बेटा, वो हेडली को लेकर के हर जगह पे घुमाया था। अब ये बताइए कि ये जो आगे हेडली के ऊपर आरोप किस तरीके के हैं? देखिए, हेडली के ऊपर आरोप है और राणा के ऊपर आरोप है कि 26/11 का ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों खिलाड़ी हैं। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं। 10 जून 2020 को हिंदुस्तान एक कंप्लेंट फाइल करता है अमेरिका में, क्योंकि हेडली के एविडेंस पे इसको भी अंदर ले लिया गया था। राइट। एक और जर्नलिस्ट पे इसने अटैक किया था राणा ने, उसके कनेक्शन में ये अंदर गया। तो 10 जून 2020 को हिंदुस्तान ने कंप्लेंट जाहिर किया, एक कनेक्टेड प्रश्न। जब 2008 में ये वारदात हुई तो पिछली पुरानी सरकारें 12 साल क्या कर रही थी? आराम कर रही थी। उसके बाद उसी आधार पे 2020 में हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सट्रेडिशन मांगा अमेरिका से। एक्सट्रेडिशन का मतलब समझना है आपके देखने वालों के लिए। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है दो देशों के बीच में ऐसी संधि जिसका सारांश यह है कि हमारे देश के खिलाफ यदि कोई हरकत करता है, अहित करता है, करने की कोशिश करता है, ये जो हमारा क्रिमिनल है वो आपके देश में बैठा है तो उसको हम वापस लेकर आपको वापस करना पड़ेगा। हाँ। आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। ये है एक्सट्रेडिशन। ये कब साइन हुआ? 25 जून 1997 में ये साइन हुआ, लेकिन फिर भी हमने एक्सट्रेडाइट नहीं किया उसको। हम 97 से लेके मतलब 23 साल हम चुपचाप बैठे रहे। हमारे पास शक्ति थी उसको लाने के लिए, 23 साल चुपचाप बैठे रहे। और ये तो बहुत पहले ही मालूम था कि इसका क्या रोल है, सब कुछ है। आप यहां से जाते भी हो, एक्सेस भी लेते हो, वहां बातचीत भी करते हो, क्या बातचीत करते हो या बताते नहीं हो, उसको हिंदुस्तान लाने की कोशिश तो हुई नहीं? मेरा ख्याल है, ये मेरा अनुमान है, कंक्रीट तो कुछ कह नहीं सकता। जैसा आपने कहा कि चिदंबरम वहां गए, मुलाकात भी हुई, क्या वार्तालाप हुई कुछ नहीं पता। ये वैसे ही है कि 2008 का MOU का चीन के साथ राहुल गांधी ने साइन किया, उसका टेक्स्ट किसको नहीं पता है। उसके बाद अगला एक्शन है कि 16 मई 2023 को, इसी साल, अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कैलिफोर्निया ने इस हिंदुस्तान के रिक्वेस्ट को अप्रूव किया, यहां ये दोषी है, इसको हिंदुस्तान भेजा जाए। राणा ने हैबियस कॉर्पस फाइल किया था, उसको रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने फैसला किया। अब अगला कदम जो है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो एक्सट्रेडिशन सर्टिफिकेट इशू करता है जिसके आधार पे अमेरिका इसको हमारे पास भेजेगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन। और याद रहे कि जून 23 में ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला ले लिया था और पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज है कि कैप्टन राणा को हिंदुस्तान भेजा जाएगा। तो जब बाइडेन ने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे फैसला हुआ है तो स्वाभाविक है ये अपील में जाएगा भी तो भी कुछ नहीं, एंटनी ब्लिंकन उसको रिजेक्ट कर देंगे। राइट। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इसको तो हिंदुस्तान आना ही है। अब सवाल होता है कि राणा ने हेडली को कैसे कैसे मदद किया। जैसा मैंने कहा, हेडली ग्राउंड पे ऑपरेट किया, ग्राउंड पे भी ऑपरेट किया है, लेकिन पूरा जो स्क्रिप्ट राइटिंग, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये कौन दिया? राणा। और राणा का यहां क्या स्ट्रेंथ था? आपको पता है क्या स्ट्रेंथ रहा होगा, वो कौन लोग हैं पाकिस्तान के ISI के स्लीपर सेल्स जो राणा के लिए बहुत बड़े असेट साबित हुए और हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ये तो तमाम एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि जो हमला हुआ, ये लोग बाकायदा कराची से बाय सी मुंबई आते हैं,
बिना लोकल मदद के वो इतनी जगहों पे जा ही नहीं सकते, हो नहीं सकता, पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। घर का भेदिया लंका डा, जब तक घर का भेदिया उसको, उसको तो सब पता है, उसको क्या पता किस गली में कैसे घुसो, कहां राणा आएंगे, जब मुंह खोलेंगे तब तो सबका आता हूं, आता हूं, वो तो पॉइंट नंबर 4 हुआ है, पहले ये कवर करता हूं। तो राणा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस का एक पैरेलल ऑफिस खोलता है बॉम्बे में या दिल्ली में, और वो कवर प्रोवाइड करता है हेडली को कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट के रूप में इस कंपनी के लिए काम करता हूं और मैं लोगों को संपर्क करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, एक कवर। मेजर इकबाल जो आईएसआई अफसर है वो ईमेल करता है राणा को कि पूरा तुम पूरा सपोर्ट हेडली को दो। तो मेजर उसके बाद हेडली ने अमेरिकन कोर्ट में कहा है कि राणा ने एडमिट किया है कि राणा ने हमको अब उसका बिजनेस एक कवर के रूप में इस्तेमाल करने का मौका दिया, और हेडली ने यह भी एडमिट किया है कि राणा जितने डिस्कशन हुए हैं प्रिलिमिनरी स्टेज पे उसमें राणा डिस्कशन में पार्ट लेता था। राणा ने यह माना है कि वो अभी हिंदुस्तान आया था पत्नी के साथ, और होटल ताजमहल और पैलेस टावर जहां यह वारदात हुई वहां वो 4 दिन रहा है, पूरी रेकी कर ली, और कब रहा है नवंबर, अर्ली नवंबर में 4 दिन रहा है, नवंबर 2008 में, 26 नवंबर को यह वारदात होती है, मतलब डी डे के जस्ट 1-2 सप्ताह पहले पूरा रेकी करके जाता है, सब कुछ अप्रूव करवाता है आईएसआई से, और उसको हेडली एक्सक्यूट करता है और कसाब एक्सक्यूट करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पाकिस्तान का चिंता का विषय क्या है? पाकिस्तान अभी तक डिनाई कर रहा है कि कसाब तो हमारा है ही नहीं। दूसरा, उसने कंफ्यूज कर दिया इशू पाकिस्तान कोर्ट में, वॉइस सैंपल जो जो मेन थे वॉर रूम में बैठे हुए थे उनका वॉइस सैंपल देने से पाकिस्तान आर्मी ने मना कर दिया। पाकिस्तान कोर्ट कहता है कि जब वॉइस सैंपल नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो कोई हाफिज सईद बरी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी तक उस केस को पाकिस्तान ने घुमाने में उसको सफलता मिल गई। यदि जब राणा यहां आता है और हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी तो स्वागत करने में विश्वविख्यात है, तो ये तो तोता की तरह मुंह खोलेगा, ये तो गाना गाएगा, तो गाना गाएगा तो बहुत लोग के लोग आंसू आएंगी, आंसू आएगा तो फिर तो कष्ट है। और ये तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, क्योंकि मेन एक्टर अपने मुंह से बोल रहा है, सारे चीज को जो है बता रहा है, बता रहा है, तो उसमें पाकिस्तान कैसे बैकट्रैक करेगा। लेकिन इससे भी बड़ा गंभीर विषय है, जो ही एडमिट कर लेता है, हिंदुस्तान की कूटनीति और मोदी सरकार इतनी सशक्त है, FATF हिंदुस्तान मूव करेगा, करना चाहिए। अब बोलो कि अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए, इसको वापस ग्रे लिस्ट में डालो। और वही नहीं, एक पैरेलल मेरा सजेशन है सरकार से कि आप यूनाइटेड नेशंस में और FATF के फंक्शनिंग में बदलाव लाइए, रूल ऑफ मेजोरिटी, 13 देश में 10 कहते हैं ग्रे तो ग्रे। तो ये कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको माना जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसका फायदा मनीष ये होगा कि जहां जहां जिस देश के साथ हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वहां ये सुरक्षित नहीं है यार, वो नहीं आना पड़ेगा। तो यही है, यहाँ अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये जो मुंबई हमला 26/11 का जो मास्टरमाइंड है उसे मोदी सरकार भारत लेकर के आ रही है, और जिसके बाद कई सारे लोगों की चिंता भी बढ़ेगी और कई सारे लोग बेनकाब भी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।